नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल रिया स्टडी पॉइंट में। तो फ्रेंड्स, आज का जो हमारा वीडियो है रेलवे से संबंधित कुछ प्रश्नों का संग्रह है। फ्रेंड्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से, और वीडियो के लास्ट में आपके लिए एक चैलेंजिंग क्वेश्चन है जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना है। तो फ्रेंड्स, बिना स्किप किए हुए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। तो चलिए फटाफट से हम अपना वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। आज के वीडियो को फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं फ्रेंड्स। और फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रेल इंजन के आविष्कारक कौन है। फ्रेंड्स, अगर इन क्वेश्चनों में से आपको जिसका भी आंसर पता है आप कमेंट बॉक्स में लगा सकते हैं, और आप वीडियो के लास्ट में अपना स्कोर भी शेयर कर सकते हैं कि आपने कितने राइट आंसर्स दिए हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ से हमारा राइट आंसर हो जाएगा जॉर्ज स्टीफन। रेल इंजन के आविष्कारक है जॉर्ज स्टीफन, तो इसे आप याद रखेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड है, भारत में रेल का आरंभ कब हुआ। तो फ्रेंड्स, कुछ आंसर्स आपको पता होंगे, लेकिन आपको ज़्यादा ध्यान आप एक्स्ट्रा फैक्ट पे देना है, क्योंकि फ्रेंड मैं यहाँ से जितने भी एक्स्ट्रा फैक्ट बनते हैं और क्वेश्चन से, मैं वो आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ। तो फ्रेंड्स, वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें आप। और यहाँ से हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर वी, 1853। देखिए, 16 अप्रैल 1853 को मुंबई से ठाणे बोरी बंदर स्टेशन तक, कहाँ से, मुंबई से ठाणे बोरी बंदर स्टेशन तक 34 किलोमीटर यह रेल चली थी। तो भारत में जो रेल का आरंभ हुआ है यह 1853 से हुआ है। तो फ्रेंड्स, इसे याद रखेंगे आप। अगर पूछ लिया जाए कि किसके शासनकाल में हुआ है, तो लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में इसका आरंभ हुआ है। तो फ्रेंड्स, आप इसे याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, विश्व की प्रथम रेलगाड़ी कब चली है। फ्रेंड्स, अगर इसका आंसर पता तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। और यहाँ से हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1825। विश्व की प्रथम रेलगाड़ी 1825 में चलाई गई। और बात करें अगर हम एग्जैक्ट डेट की, तो 27 सितंबर 1825 को भाप इंजन की सहायता से लंदन के डार्लिंगटन से स्टॉक टॉन तक यह रेलगाड़ी चलाई गई। और फ्रेंड्स, इसके पहले अगर हमने बात की थी, तो वह भारत की बात थी, और यह विश्व की प्रथम रेलगाड़ी। तो आप इस अंतर को ध्यान रखेंगे कि भारत में प्रथम रेलगाड़ी का आरंभ वो अलग बात है, और यह विश्व की प्रथम रेलगाड़ी। तो आप इसे याद रखें कि 1825 में विश्व की प्रथम रेलगाड़ी चलाई गई। क्वेश्चन नंबर फोर है, भारत में पहली बार मेट्रो रेल सेवा कब और किस शहर से आरंभ की गई। तो फ्रेंड्स, यहाँ से हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भारत में पहली बार मेट्रो रेल सेवा 1984 से कोलकाता शहर में आरंभ की गई। तो फ्रेंड्स, इसे याद रखेंगे आप। क्वेश्चन नंबर फाइव है, भारत में पहली विद्युत ट्रेन कब चली। तो फ्रेंड्स, यहाँ से हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1925। भारत में जो पहली ट्रेन विद्युत ट्रेन चली, यह 1925 में चलाई गई। तो 3 फरवरी 1925 को बॉम्बे वीटी से कुर्ली तक भारत की पहली विद्युत ट्रेन चलाई गई। और अगर बात करें कि विद्युत से चलने वाली रेलगाड़ी का नाम क्या है, और ये पूछा गया क्वेश्चन है, तो इसे इम्पोर्टेंट है फ्रेंड्स, विद्युत से चलने वाली रेलगाड़ी का नाम है डेक्कन क्वीन, इसे आप याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर सिक्स है, मेट्रोमैन के उपनाम से किसे जाना जाता है। तो यहाँ हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, श्रीधरन। मेट्रोमैन के उपनाम से श्रीधरन जी को जाना जाता है, और श्रीधरन जी दिल्ली मेट्रो के भूतपूर्व निदेशक रहे। दिल्ली मेट्रो के निर्माण में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही, इसीलिए इन्हें मेट्रोमैन के उपनाम से जाना जाता है। तो फ्रेंड्स, इसे याद रखेंगे आप। क्वेश्चन नंबर सेवन है, भारत में सर्वप्रथम रेल लाइन बिछाने का श्रेय किसे प्राप्त है। तो फ्रेंड्स, अगर इसका आंसर पता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। और आप सभी को पता होगा कि भारत में सर्वप्रथम रेल लाइन बिछाने का श्रेय लॉर्ड डलहौजी को जाता है। तो यहाँ से हमारा ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, और लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में ही रेल का आरंभ हुआ था। तो फ्रेंड्स, आप इसे याद रखेंगे कि भारत में सर्वप्रथम रेल लाइन बिछाने का श्रेय लॉर्ड डलहौजी को प्राप्त है। क्वेश्चन नंबर एट है, भारतीय रेल का स्लोगन क्या है। तो फ्रेंड्स, यहाँ से हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्र की जीवन रेखा। और अगर बात करें कि इंग्लिश में से क्या बोलेंगे, तो लाइफ लाइन ऑफ द नेशन, इसे आप याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर नाइन है, डीजल रेल इंजन कारखाना कहाँ स्थित है। इजी क्वेश्चन है फ्रेंड्स, आप सभी को पता होगा कि डीजल रेल इंजन कारखाना है यह वाराणसी में स्थित है। तो यहाँ से हमारा ऑप्शन डी राइट हो जाएगा कि डीजल रेल इंजन कारखाना कहाँ पर स्थित है, तो वाराणसी, इसे याद रखेंगे आप। क्वेश्चन नंबर टेन है, भारत में राष्ट्रीय रेल संग्रहालय कहाँ स्थित है। तो फ्रेंड्स, यहाँ से हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, नई दिल्ली। भारत में राष्ट्रीय रेल संग्रहालय जो है यह नई दिल्ली में स्थित है। और अगर पूछ लिया जाए कि इसकी स्थापना कब हुई थी, तो इसकी स्थापना हुई थी 1971 में। तो फ्रेंड्स, आप इसे याद रखेंगे।
क्वेश्चन नंबर 11 है, भारतीय रेल का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? तो यहाँ से हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1950। भारतीय रेल का राष्ट्रीयकरण 1950 को हुआ था। और देखिए फ्रेंड्स, राष्ट्रीयकरण से मतलब है कि जब 1947 में भारत और पाक का बंटवारा हुआ था, उस समय भारतीय रेल नेटवर्क को भी दोनों देशों के बीच बांट दिया गया था। लेकिन फिर जब 1950 में भारत ने भारतीय रेल का राष्ट्रीयकरण कर दिया, यानी कि रेल पर पूरी तरह अपना अधिकार हासिल कर लिया। तो फ्रेंड्स, आप इसे याद रखेंगे कि भारतीय रेल का जो राष्ट्रीयकरण है, यह 1950 को हुआ था। क्वेश्चन नंबर 12 लेते हैं, भारतीय रेलवे बोर्ड की स्थापना कब की गई? तो भारतीय रेलवे बोर्ड की स्थापना 1905 को की गई थी। तो यहाँ से हमारा ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा फ्रेंड्स, इसे याद रखेंगे आप। क्वेश्चन नंबर 13 है, भारत में सबसे लंबी दूरी तय करने वाली रेल कौन सी है? तो भारत में सबसे लंबी दूरी तय करने वाली रेल है विवेक एक्सप्रेस। तो यहाँ से हमारा ऑप्शन ए द सी इज द राइट आंसर कि विवेक एक्सप्रेस जो है, यह भारत में सबसे लंबी दूरी तय करने वाली रेल है। तो इसे याद रखें फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 14 है, सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कहाँ है? तो सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म जो है, यह गोरखपुर में है। तो यहाँ से हमारा ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। और अगर बात करें कि इसके और यह जो है, यह वर्तमान में है। और अगर बात करें कि इसके पहले कौन सा सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म था, तो यह था खड़गपुर। तो इसे याद रखेंगे आप कि सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म वर्तमान में गोरखपुर है। और अगर इसके पहले की बात की जाए, तो पहले था खड़गपुर। दोनों फैक्टों को याद रखें फ्रेंड्स आप। क्वेश्चन नंबर 15 है, भारतीय रेलवे का रेल लाइन की लंबाई की दृष्टि से विश्व में कौन सा स्थान है? यानी भारतीय रेलवे लाइन जो है, इसमें इसकी लंबाई जो है, तो लंबाई की दृष्टि से विश्व में इसका कौन सा स्थान है? तो फ्रेंड्स, अगर इसका आंसर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। और यहाँ से हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी चौथा। जो हमारी भारतीय रेल लाइन है, इसकी लंबाई की दृष्टि से विश्व में इसका चौथा स्थान है। और अगर हम बात करें फर्स्ट स्थान की, के फर्स्ट स्थान पे कौन है, तो फर्स्ट स्थान पे है USA। और बात करें अगर हम सेकंड स्थान की, तो चाइना। और थर्ड, अगर बात करें थर्ड की कि थर्ड स्थान पे कौन सा देश है, तो यह है रसिया। और बात करें अगर फोर्थ की, तो मैंने अभी आपको बताया है कि हमारा इंडिया। तो इसे आप याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 है, भारतीय रेल नेटवर्क का एशिया में कौन सा स्थान है? तो यहाँ से हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए दूसरा। भारतीय रेल नेटवर्क का एशिया में दूसरा स्थान है। तो इसे आप याद रखेंगे फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 17 है, भारत और पाकिस्तान के बीच चलने वाली रेलगाड़ी का नाम क्या है? तो भारत और पाकिस्तान के बीच चलने वाली रेलगाड़ी का नाम है समझौता एक्सप्रेस। यहाँ से हमारा ऑप्शन डी राइट हो जाएगा कि भारत और पाकिस्तान के बीच चलने वाली रेलगाड़ी जो है, यह समझौता एक्सप्रेस। एक कंफ्यूजन होती है फ्रेंड्स, क्योंकि पूछ लिया जाता है कि भारत और बांग्लादेश के बीच चलने वाली कौन सी रेलगाड़ी है। तो इसमें और ये भारत और पाकिस्तान में आप तो बहुत ही कंफ्यूजन होता है। तो आप इसे याद रखें कि जो भारत और पाकिस्तान के बीच चलने वाली यह समझौता एक्सप्रेस है, और भारत और बांग्लादेश के बीच चलने वाली यह मैत्री एक्सप्रेस है। तो आप इन दोनों को ध्यान से देख लें अभी कि भारत और पाकिस्तान की बात की जाए तो समझौता एक्सप्रेस, और अगर बात करें कि भारत और बांग्लादेश के बीच कौन सी रेलगाड़ी चलती है, तो यह मैत्री एक्सप्रेस। दोनों को आप इसे याद रखें। क्वेश्चन नंबर 18 है, भारत में किस राज्य में रेल लाइन सबसे अधिक है? तो फ्रेंड्स, आप सभी को पता होगा कि भारत के उत्तर प्रदेश में रेल लाइन सबसे ज़्यादा अधिक है। तो फ्रेंड्स, यहाँ से हमारा ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा कि भारत के उत्तर प्रदेश राज्य में रेल लाइन सबसे अधिक है। और बात करें अगर हम यहाँ पे के सड़क की, तो सड़क भी सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में है, क्योंकि यहाँ की जनसंख्या भी सबसे ज़्यादा है। तो फ्रेंड्स, आप इसे याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 19 है, कुल केंद्रीय कर्मचारियों का कितना प्रतिशत भाग रेलवे में कार्यरत है? तो फ्रेंड्स, यहाँ से हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 40%। कुल केंद्रीय कर्मचारी का 40% भाग रेलवे में कार्यरत है। तो इसे आप याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 20 है, स्वतंत्र भारत का प्रथम रेल बजट किसने प्रस्तुत किया था? फ्रेंड्स, पूछा गया क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट भी है। अगर आपको इसका आंसर पता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं।
और यहाँ से हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जॉन मथाई। स्वतंत्र भारत का प्रथम रेल बजट जो है यह जॉन मथाई ने प्रस्तुत किया था, और जॉन मथाई जो थे यह भारत के प्रथम रेल मंत्री थे, तो इन्हीं ने यह बजट भी पेश किया था। तो आप इसे याद रखेंगे, अगर पूछा जाए कि भारत के प्रथम रेल मंत्री कौन थे तो जॉन मथाई थे, और भारत स्वतंत्र भारत का प्रथम रेल बजट जो है किसने प्रस्तुत किया था, तो यह किया था जॉन मथाई ने। आप इसे याद रखेंगे, इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 21 है, भारतीय रेलवे ने ऑनलाइन टिकट बुकिंग की सुविधा की शुरुआत कब से की? तो यहाँ हमारा ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, 2002। भारतीय रेलवे ने ऑनलाइन टिकट बुकिंग की सुविधा जो है यह 2002 से शुरू की, और यह 3 अगस्त 2002, एग्जैक्ट डेट अगर पूछ ली जाए कि कब से, तो 3 अगस्त 2002 से भारतीय रेलवे ने ऑनलाइन टिकट बुकिंग की सुविधा शुरू की। तो फ्रेंड्स इसे आप याद रखें। क्वेश्चन नंबर 22 है, भारत का ऐसा रेलवे स्टेशन जो दो अलग अलग राज्यों की सीमा में आता है। तो फ्रेंड्स अगर इसका आपको आंसर पता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लगाएं, और यहां से हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, नावापुर रेलवे स्टेशन। भारत का ऐसा रेलवे स्टेशन है यह जो दो अलग अलग राज्यों की सीमा में आता है, और वह राज्य कौन से हैं, तो इसका आधा हिस्सा जो है यह गुजरात एवं आधा हिस्सा महाराष्ट्र में आता है। तो फ्रेंड्स आप इसे याद रखेंगे, और फ्रेंड्स अगर वीडियो आपको पसंद आ रहा हो तो जाते जाते प्लीज़ इसे लाइक करके ज़रूर जाना, और अपने स्टडी ग्रुप में ज़रूर शेयर करना। क्वेश्चन नंबर 23 है, भारतीय रेल बजट को सामान्य बजट से कब अलग किया गया? तो हमारा ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, 1924 में। भारतीय रेल बजट को सामान्य बजट से 1924 में अलग किया गया। तो फ्रेंड्स इसे याद रखेंगे आप। क्वेश्चन नंबर 24 है, रेल पथ के ब्रॉड गेज की चौड़ाई कितनी होती है? तो फ्रेंड्स यहाँ से हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1.676 मीटर। रेल पथ के जो ब्रॉड गेज की चौड़ाई होती है तो यह होती है 1.676 मीटर। इसे याद रखेंगे आप। नंबर 25 है, रेल दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? फ्रेंड्स अगर आपने इस वीडियो को शुरू से देखा होगा और अच्छे ध्यान से देखा होगा तो आप इसका आंसर फटाफट से कमेंट बॉक्स में ज़रूर लगा लेंगे, और यहाँ से हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 16 अप्रैल। जैसा कि अभी हमने पढ़ा था कि 16 अप्रैल 1853 को पहली रेलगाड़ी चली थी, तो बस वही है कि 16 अप्रैल को रेल दिवस की शुरुआत हुई, या प्रतिवर्ष 16 अप्रैल को रेल दिवस मनाया जाता है, तो तभी से शुरुआत की गई थी 16 अप्रैल 1853 से, तो 16 अप्रैल को रेल दिवस मनाया जाता है। इसे आप याद रखेंगे फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 26 है, भारत का पहला रेलवे स्टेशन कौन सा है? फ्रेंड्स अगर इसका आंसर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं, और यहाँ से हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, छत्रपति शिवाजी। भारत का जो पहला रेलवे स्टेशन है यह है छत्रपति शिवाजी, और यह कहाँ है, तो यह ये मुंबई में है, तो इसे आप याद रखेंगे फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 27 है, भारत में वर्तमान में रेलवे जोनों की संख्या कितनी है? तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 18। भारत में वर्तमान में रेलवे जोनों की संख्या 18 हो गई है, पहले 17 थी, और अभी ये यह बना है फरवरी 2019 में 18वां रेलवे जोन बना है, और यह कहाँ है, तो यह दक्षिण तट रेलवे है, और इसका मुख्यालय जो है यह विशाखापट्टनम में है, तो आप इसे याद रखेंगे फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 28 है, भारत में वर्तमान में रेलवे डिवीज़न की संख्या कितनी है? तो फ्रेंड्स यहाँ से हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 68। भारत में वर्तमान रेलवे डिवीज़न की जो संख्या है यह 68 है, तो फ्रेंड्स याद रखेंगे आप। क्वेश्चन नंबर 29 है, भारत का सबसे व्यस्त रेलवे स्टेशन कौन सा है? तो फ्रेंड्स यहाँ से हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लखनऊ। भारत का सबसे व्यस्त रेलवे स्टेशन यह लखनऊ है, तो इसे आप याद रखें। चलिए फ्रेंड्स अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, तो भारतीय रेलवे का स्थाई शुभंकर क्या है? तो भारतीय रेलवे का स्थाई शुभंकर है भोलू हाथी। यहाँ से हमारा ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, और इसका अनावरण 16 अप्रैल 2002 को किया गया। इसे आप याद रखें फ्रेंड्स, कितना, 16 अप्रैल 2002 को किया गया था, और यह भोलू हाथी अपने हाथ में हरे रंग की लालटेन लेकर रोशनी दिखाता है। तो आप इसे याद रखें कि भारतीय रेलवे का स्थायी शुभंकर क्या है, भोलू हाथी। क्वेश्चन नंबर 31 है, भारत की पहली
महिला रेल मंत्री कौन बनी? तो फ्रेंड्स यहाँ से हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ममता बनर्जी। भारत की पहली रेल मंत्री जो है यह ममता बनर्जी है। और अगर बात करें कि पहले रेल मंत्री कौन थे तो जॉन मथाई थे। मैं पहले भी पढ़ा चुकी हूँ आपको इसी वीडियो में क्वेश्चन में कि अगर भारत के पहले रेल मंत्री की बात करें तो जॉन मथाई, और भारत की पहली महिला रेल मंत्री की बात करें तो ममता बनर्जी। तो आप दोनों फर्स्ट को याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 32 है, रेलवे मैनेजमेंट गुरु के नाम से कौन रेल मंत्री प्रसिद्ध हैं? तो रेलवे मैनेजमेंट के नाम से लालू प्रसाद यादव जो रेल मंत्री हैं वो प्रसिद्ध हैं। तो ऑप्शन ए हमारा यहाँ राइट हो जाएगा। और पूछ लिया जाए कि यह कब से कब तक रेल मंत्री रहे, तो यह 2004 से 2009 तक रेल मंत्री रहे। तो इन्हें आप याद रखेंगे फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 33 है, भारत का सबसे बड़ा रेलवे यार्ड कहाँ पर स्थित है? फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और हमारा राइट आंसर है ऑप्शन ए मुगल सराय में। भारत का सबसे बड़ा रेलवे यार्ड जो है यह मुगल सराय में स्थित है, तो आप इसे याद रखें। क्वेश्चन नंबर 34 है, रेलवे स्टेशन या प्लेटफॉर्म प्रवेश टिकट का वर्तमान मूल्य क्या है? तो यहाँ से हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 10 रुपये। रेलवे स्टेशन प्लेटफॉर्म प्रवेश टिकट का वर्तमान मूल्य है 10 रुपये, तो इसे याद रखें फ्रेंड। तो फ्रेंड्स ये हमारे वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन जो है आपके लिए चैलेंजिंग है, जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना है। तो क्वेश्चन है, भारत में सर्वप्रथम चलाई गई ट्रेन का नाम क्या था? फ्रेंड्स आपके सामने चार ऑप्शन है, इसका जो भी राइट आंसर है आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके दे सकते हैं। और आई होप फ्रेंड्स आपको वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आपको पसंद आया है वीडियो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू फ्रेंड्स। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस जरूर करें ताकि आपको हमारे न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन जल्दी मिलती रहे। और आप किस टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और फ्रेंड्स जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।